हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से एक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ, जो है आरआरबी की तरफ से आया है। आरआरबी की तरफ से फिर से आया है एक बहुत बड़ी अर्जेंट वैकेंसीज निकला हुआ आरआरबी ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स वन बाय वन आप लोगों को बताऊँगा। 663 वैकेंसीज यहाँ पे निकला हुआ है, आज की नोटिफिकेशन है। तो किस तरह से आप लोग आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हो, सारे डिटेल वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी की तरफ से जो अपडेट आया है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे डिटेल जो है वन बाय वन मिल जाएगा। तो आरआरबी फाइनली फिर से ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से फिर से जो है जारी किया है जॉब, तो वैकेंसी जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ पर जो पोस्ट निकला हुआ है, फार्मिस्ट पोस्ट निकला हुआ है, ड्रेस ओटी हॉस्पिटल अटेंडेंट्स के पोस्ट निकला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स वन बाय वन आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे जो डिटेल वैकेंसीज है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए 255 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, इसी के साथ साथ फार्मासिस्ट के लिए 51 वैकेंसीज निकला हुआ है, ड्रेसर एंड ओटीए हॉस्पिटल अटेंडेंट लेवल वन के लिए 252 एंड कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए यहाँ पे वैकेंसी 102 वैकेंसी निकला हुआ है। अभी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए मिनिमम जो है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम क्वालिफाई होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे बी फार्मा के क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ड्रेसर एंड ओटी हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए यहाँ पे आपको एमबीबीएस के डिग्री होना चाहिए। इसी के साथ साथ एज लिमिट जो दिया गया है यहाँ पे आप लोग 20 से 38 फॉर नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, फार्मासिस्ट के लिए 20 से 35 और ड्रेसर के लिए 18 से 33 तक एप्लीकेशन कर सकते हो। और जो जी डी एम और फार्मा प्रैक्टिशनर के लिए जो पोस्ट निकला हो उसके लिए आप लोग 53 तक एप्लीकेशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ बताऊंगा, इस बार कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो बाय द ईमेल। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन करना चाहते हो उसके लिए अपडेट दिया गया है, एस्पिरेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय डाउनलोडिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ईस्ट कोस्ट रेलवे indianrailways.gov.in एंड सेंडिंग द फिल फॉर्म बाय द ईमेल। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इंडियन रेलवे की ईस्ट कोस्ट रेलवे के डिपार्टमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग वहाँ पे जाना होगा, फॉर्म डाउनलोड करना होगा, फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को इस ईमेल एड्रेस में जो है भेजना होगा। 22 मई जो है लास्ट डे है, उसके पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे भेजना होगा। तो यही था आज की अपडेट, और भी कुछ जानकारी के लिए कमेंट करना मत भूलिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।